आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल में ही निकाय चुनाव हो चुके हैं और जो परिणाम सामने आए हैं उससे कहीं सुखद एहसास हुआ है तो कहीं बेचैनी बढ़ गई है। बेचैनी बढ़ी है उन दलों की जिनके वोट बैंक में यहाँ सेंध लगा दी गई है। कारण क्या है ये शायद दल जानते होंगे, जानती होगी जनता जनार्दन और शायद वो वर्ग जिसने अपना जनाधार इस बार कुछ अलग हटके दिया है। मैं मुस्लिम वर्ग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के ऊपर अपनी अपनी बादशाहत और ये वर्ग हमारा है, हम इस वर्ग के हितैषी हैं, सभी बोलते रहते हैं। पर ये वर्ग है किसका ये सब जानते हैं। निकाय चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी को इस वर्ग ने पूरा पूरा वोट दिया और ये वोट देने का ही कारण था कि 2017 में महज 47 सीट जीत कर आने वाली सपा 2022 में 111 पर आई। कारण ये था कि इस वर्ग ने सपा पर विश्वास दिखाया और इनको अपना साथ दिया। पर साथ के मामले और मामले की बात करें तो वहाँ पर कुछ अलग थे, क्योंकि यहाँ पर जो आजम खां के साथ हुआ और वहाँ पर उनकी बेरुखी की गई, मिलने नहीं गए, तो कहीं ना कहीं ये दर्द भी उनके साथ रहा। और जिस तरह से हाल का तमाम घटनाक्रम ऐसे हैं जहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी स्पष्ट कर रही थी कि ये दल की बात तो करते हैं, इस दल के इस वर्ग के वोट बैंक की बात भी करते हैं, अपने दल की बहुतायत की बात भी करते हैं, ये वर्ग हमारा इसकी बात भी करते हैं, पर जब वर्ग पर अत्याचार होता है या वर्ग की बात नहीं सुनी जाती है या वर्ग के साथ न्याय नहीं होता है तब उनकी चुप्पी स्पष्ट करती है कि वोट लेने के लिए हम खड़े हैं पर साथ देने के लिए आप दूसरा रास्ता तलाश लीजिए। खैर, चुनाव महत्वपूर्ण है। अभी हाल में कर्नाटक चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद तमाम तरह के सबक यहां पर सभी पार्टी को मिले हैं। कांग्रेस को सुखद एहसास मिला, बहुमत में आई, सरकार बनाई और एक संजीवनी मिली, तो बेचैनी यहाँ बीजेपी की बड़ी है, क्योंकि अगर हिमाचल के बाद कर्नाटक हार जाना कहीं एक स्पष्ट करता है कि रणनीति बहुत बेहतर चल रही है, पर उत्तर प्रदेश में अगर देश में बात करें तो यहाँ पर कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। मेहनत करनी होगी, रणनीति बनानी होगी, क्योंकि बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, मेहनत करने वाली पार्टी है, संगठन में अच्छे स्तर तक काम करने वाली पार्टी है। और अगर उस बीजेपी के साथ कर्नाटक में जो हुआ कहीं ना कहीं उस पर अब चर्चा जरूरी है। खैर, यहाँ बीजेपी के साथ चर्चा के बाद, समाजवादी पार्टी की चर्चा के बाद एक महत्वपूर्ण बात और है, आम आदमी पार्टी और AIMIM यानी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आए, मेहनत की। आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है उत्तर प्रदेश में और सक्रिय रहने के साथ जो परिणाम आए हैं वो उनके लिए सुखद है। 4 नगर पालिका, 7 नगर पंचायत, 100 से ज्यादा पार्षद स्पष्ट करते हैं कि जनता ने आम आदमी पार्टी विश्वास दिखाया है। पर आम आदमी पार्टी अब जनता से कितना न्याय करेगी वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जो चल रहा है कहीं ना कहीं उस पर भी उंगली उठनी जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी कूड़े के पहाड़ और यमुना का गंदा होना स्पष्ट करता है कि बातों से काम नहीं चलने वाला, कि जुमलों से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप बेहतर करेंगे तो उसका आपको न्याय भी मिलेगा, पर अगर न्याय नहीं करेंगे, जनता के वादे पूरे नहीं करेंगे, केवल मुफ्त की रेवड़ी पर राजनीति करेंगे तो वो जनता जनार्दन आपको स्वीकार नहीं करेगी। जैसा विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। खैर, संगठन में मेहनत करने वाली पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का चर्चा अहम है, उसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की चर्चा भी अहम है। मेहनत की, 3 नगर पालिका, 2 नगर पंचायत, 33 नगर पालिका सदस्य और 23 नगर पंचायत सदस्य स्पष्ट कर रहे हैं कि यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जनता ने दिया है। मैरपुर सीटें जीत के आई हैं, यहां तक कि कानपुर की घाटमपुर सीट की नगर पालिका जीतना स्पष्ट करता है कि अवध क्षेत्र में जिस तरह से जहां पर बीजेपी गढ़ कहा जाता है वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है, स्पष्ट करती है कि मेहनत जो की है उसका लाभ यहां पर मिल रहा है। पर यहां पर ये जीत जहां AIMIM के लिए खुशी की बात है तो वहीं दूसरी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी। तो भाई अखिलेश यादव भी यहां पर अपने तंज कसते नजर आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होना भी चाहिए। लोकसभा चुनाव आने वाला है और चुनाव के माध्यम से तमाम तरह की नीतियां भी स्पष्ट हो जाएगी, इस बार केंद्र की कुर्सी पर बैठेगा कौन। पर इस मामले में अगर हम देखें अखिलेश यादव भी जो बयान है वो आज भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव जीता गया है, 14.9% वोट मिले हैं और इससे पहले तमाम तरह के परिणाम जो आए हैं वो स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप दौर चलते रहेंगे, पर
सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस तरह की नूरा कुश्ती का जो खेल चल रहा है वो सबके सामने है। फिलहाल इस चर्चा में महत्वपूर्ण बयान सुनते जनता को आगे बढ़ाते हैं। जाली से मुकामी और बल्दियात के इंतखाबी नतीजे आए या नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बड़े ही हौसला अफजा रहे हैं और इसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह सुबहाना तआला का और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का। डालने दो, वोट डालने आए तो पुलिस लगा दो। रामपुर की वो नंगी तस्वीरें आपने नहीं देखी क्या पुलिस में, जहां वोट नहीं डालने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब लोकतंत्र नहीं बचा, आजादी नहीं है, पाबंदियां और केवल झूठ बोलना। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ और अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। केवल प्रोपोगंडा पे चल रहे हैं। हिटलर के जमाने में केवल एक मंत्री हुआ करता था प्रोपोगंडा मिनिस्टर, लेकिन ये सरकार में पूरे के पूरे लोग, ऊपर से नीचे बैठे लोग, झूठा प्रोपोगंडा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हमारे केंद्र सरकार मोदी जी, प्रदेश सरकार योगी जी ने जितने अच्छे काम किए हैं, जनता ने उन कार्यों पर मोहर लगाई है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से इस चुनाव में मेहनत की है, समर्पित भाव से चुनाव लड़ाया है, इसलिए हम जीते और भारी बहुमत से जीते। मैं तो यही कहूँगा, उनसे ये पूछूँगा, क्या कर्नाटक में भी गड़बड़ी हुई? क्या वहाँ की जो मशीनें थी वो सही थी और यहाँ की मशीनों में गड़बड़ी थी? पहले तो ये बताएं, जहाँ वो हार गए वहाँ गड़बड़ी हुई, जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बीजेपी हमारी पूरी तरह तैयार है और तैयारी करना है और हर हालत में हम 2024 में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी। तो चर्चा में सर बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी फिर तैयारी में लग गई है। 30 मई से 30 जून तक अभियान चलाया जाएगा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, वहां पर संवाद स्थापित होगा जनता के साथ और कहीं ना कहीं अब रणनीति बेहतर बनाती नजर आई। तो अन्य पार्टियां क्या करने वाली है, अन्य पार्टी का इस समय क्या एजेंडा चल रहा है, क्योंकि चुनाव 24 का इतना आसान नहीं है ना बीजेपी के लिए और ना विपक्ष के लिए। महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे मेहमान जुचिक रूबरू का प्रवक्ता भाजपा से केसी भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा से दयाराम भार्गव अपनी बात रखेंगे, विवेक पांडे प्रवक्ता सपा से अपनी बात रखेंगे, अजरा मोमिन इस्लामिक स्कॉलर में अपनी बात रखेंगी और बड़े पत्रकार के रूप में नाबिर सुको भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा किसी जन से, रहेगा किसी भाई, कहीं खुशी कहीं गम, खुशी कर्नाटक की और गम किसको बोलेंगे? किसी भाई जी, देखिए हम लोग चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं, अच्छा, और दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है, इस पे जनता ने मोहर लगाई। जो नगर निकाय नगर निगमों के चुनाव हुए, चुनावों के परिणामों ने एक बार फिर से बता दिया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के काम को, भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट को जनता चाह रही है और एक बार फिर से जनता ने जीत दर्ज करा करके बता दिया जी कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी काम कर रही है और उससे अगर कोई संतुष्ट है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। तो ऐसे में आप देखिए 17 की 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड जीत। पहले 16 नगर निगम हुआ करते थे, 16 में भी हमारे पास 14 थे, लेकिन 17 एक सीट बढ़ने के बाद 17 की 17 सीटों पे और पिछली बार से भी ज्यादा वोटों के अंतरों से भी कई जगहों की सीटें हमने जीती है। ऐसे में जनता ने बड़ा जनादेश दिया है। ये अलग बात है कि इसको तमाम सारे पहलुओं से इसको देखा जा रहा है और विपक्ष अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तमाम सारे अलग अलग आरोप भी लगा रहे हैं। तो अपनी नाकामी को स्वीकार करना चाहिए, असफलता को स्वीकार करना चाहिए और साथ ही साथ जनता का जो जनादेश है उसको सिरोद्धार करना चाहिए, क्योंकि ये जनमत है और जनमत के द्वारा चुनी हुई सरकारें, जनमत के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और लोकतंत्र में 5 साल के बाद जनता को यह अवसर मिलता है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुने। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है तो उसमें इब्बट करके कि नहीं, कहीं बताते हैं कि भाई पोलिंग नहीं हो रही थी, कहीं बताते हैं नाम ही नहीं बढ़ पाए,
तो ये केवल ऐसा नहीं कि आपके साथ, आपका मतलब केवल विपक्ष के साथ नहीं है, मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी के एक, यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, निहालगढ़ वार्ड की बात बता रहा हूँ, एक परिवार के जो है 27 सदस्यों में से मात्र 2 सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में था, लेकिन बातचीत हुई पता चला तो उन्होंने कोई सक्रियता ही नहीं दिखाई कि उसमें नाम बढ़वाने के लिए डाले। पहले उनका एड्रेस कुछ हुआ करता था, अब एड्रेस उनका कुछ है, वार्ड उनका वही है लेकिन वो उनका एड्रेस चेंज हो गया। तो इन सारी चीजों को जब बीएलओ वेरीफाई करता है पता चलता है वो नहीं है, तो नाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी तमाम जगहों पे नाम नहीं रहे, तमाम जगहों पे वोट डालने को नहीं मिली, लेकिन जो वोटर लिस्ट में वोटर है उनमें से जिन वोटरों ने वोट दिया, अब जहां पे 1 लाख आबादी है, 1 लाख आबादी में हो सकता है 100-200 नाम छूट गए हो, वैसे एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए, लेकिन 1 लाख की आबादी पे अगर 100-200 नाम छूट गए हो तो बाकी जो 99,900 लोग बसते हैं तो उनके वोटों का क्या कोई मायने नहीं है क्या? तो इस तरीके के आरोप लगाना कि हमने आपसे जब डिबेट की थी बहुत पहले, आपने एक बहुत अच्छे प्रश्न रखे थे और आपके बहुत तीखे और चुभते हुए प्रश्न थे, मैं बताऊं गौरव जी, तो उस दिन मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके जवाब, आपके प्रश्नों का तमाम बार जवाब हमारे पास नहीं होता है, हमने ये जवाब भी आपको दिया था, और तब आप कही था क्या 17 में 17 आप जीत पाएंगे, तो हमने कहा था बिल्कुल हमारी कोशिश है, मेहनत कर रहे हैं, बाकी ये जनता के ऊपर निर्भर है। तो अब जनता ने जब एक चीज चुन ली उसके बाद में इस तरीके के आरोप लगाना कि नहीं वहां पे जो है आपने वोट नहीं डालने दिया, वहां पुलिस की वोट नहीं डालने दी, वहां पे बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटी, तो हो सकता है कि 1-2 जगहों पर जब इतना बड़ा पूरे प्रदेश का चुनाव है जिसमें 500 की आबादी में आबादी लगभग से पार्टिसिपेट किया, हो सकता है जो 1-2 जगहों पर ऐसी चीजें रही हो, लेकिन उसका आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि सब जगह पे ऐसी चीज रही होगी। किसी तरह मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, मेरा सवाल यह है कि जो वोट प्रतिशत पड़ा है राजधानी लखनऊ में 36%, कहीं 40%, कहीं 42%, तो जो वोट परसेंट है वो तो जनादेश अधूरा है क्योंकि जनता वोट डालने ही नहीं गई है, तो ये वोट डालने नहीं जाना कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि खुशी तो यहाँ पर नहीं है जनता को। अगर खुशी उद्देश्य जिताया है, आपको बधाई हो, 17 नगर निगम आप जीते हैं, मेयर जीते हैं, जनाधार मिला। गौरव जी, जी जी गौरव जी, हम आपको बता दें कि ये जो परसेंटेज है जी, ये लगभग पुराना परसेंटेज ही है, और जबकि इस बार आधा परसेंट वोट कई जगहों पे लखनऊ में भी आधा परसेंट वोट ज्यादा पड़ा पिछली बार से, तो ऐसा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे 1%, कहीं पे 2%, कहीं पे 3% वोट ज्यादा ही मिला है पिछली बार से परसेंटेज के अकॉर्डिंग। देखिए ये लगभग शहरों में 100% की आबादी में 36% फैसला करेगी, ये कैसा जनाधार किसी भाई? बिल्कुल नहीं गौरव जी, उस चीज को उसको सार्थ नहीं कहा जा सकता है, उसको बहुत अच्छा संदेश नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये लंबे समय से देखा गया है कि नगर निगमों में शहरी आबादी से वोट का प्रतिशत थोड़ा कम रहता है, जबकि जो ग्रामीण आबादी वहाँ वोट प्रतिशत ज्यादा रहता है। आप देखिए कि अगर टोटल ओवरऑल 52-53% का अगर एवरेज आता है तो जो चीज आपने कही आपने फिर वही कहूंगा कि आपके तीखे प्रश्न बहुत सारे होते हैं जिनको हमें, मेरे पास एक आंकड़ा और है किसी भाई, मेरे पास एक आंकड़ा और है जी, आपको जो परसेंट मिला है जो तमाम जगहों पर जो ग्रामीण आबादी का 60% वोटर रहा जी, अगर ये 60% नहीं टच करता जी, तो ओवरऑल जो टोटल 52-53% हुआ है शायद ये भी आंकड़ा नहीं टच कर पाता जी, अगर ग्रामीण आबादी का 60% 65% वोट प्रतिशत नहीं होता तो जी, उस जगहों का केसी भाई, केसी भाई विपक्ष की भूमिका क्या देखते हैं? केसी भाई विपक्ष की भूमिका की बात नहीं करूंगा मैं, विपक्ष सब मिला के भी आपसे पीछे रह गया, आपका वोट परसेंटेज 31.22% रहा और विपक्ष की अगर बात करें तो वो आपसे कम रहा, पर जो निर्दलीय परसेंटेज है वो 33.75% है, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी आपसे ज्यादा जीते हैं, उनका वोट परसेंट आपसे ज्यादा है। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम सारे क्षेत्रों में ये रिजल्ट आया है, लेकिन कुछ अभी पहली बात तो पार्टी आकलन करेगी, मंथन करेगी, कितनी देर है, बहुत सारे लोग हमारे ही है जिन्होंने बगावत करके भी चुनाव जीता है जी। उसमें हमारे लोगों की संख्या कम नहीं है, और भले उनको टिकट किसी कारण से उनको टिकट नहीं मिल पाया या जो आकलन था उसके हिसाब से टिकट नहीं मिल पाया, या पार्टी चाह रही थी कि भाई आप अगर लंबे समय से हैं तो आप किसी दूसरे को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई परंपरावाद परिवारवाद नहीं है, तो अगर आप
जीत सकते हैं, ठीक है, और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप तीन बार चार बार सभासद रह चुके हैं। अब जो पार्टी का दूसरा कार्यकर्ता है वो जो आस लगाए है कि उसको टिकट मिलना चाहिए, इस तरीके से पार्टी ने निर्णय लिया, तमाम सारे टिकट जो चेंज किए, तो तमाम सारे लोग निर्दल लड़ करके जो आ रहे हैं वो हमारे हैं और हमारे पास वापस आ जाएंगे। अभी आप कुछ समय के बाद देखिएगा, और आप देखिए जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हमारे कई बगावत करने वाले लोग हमारे साथ में आ गए, आकर के पार्टी कार्यालय में उन्हें जो है मिठाई खाई, मिठाई खिलाई और साथ स्वीकार किया कि हमने कोशिश की और हम देखिए जीत करके आ गए आपके पास। तो ये चीजें होती है, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है, न कि सिर्फ मेयर में, आप नगर निगम में देख लीजिए और नगर निकाय में, नगर पंचायत में देख लीजिए, तो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और इसके लिए जो है जो जनता है उसको हम बधाई देते हैं, जो लोग जीते उनको हम बधाई देते हैं। और इसको सबसे मेन चीज ये है गौरव जी कि बिल्कुल इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कोई जीता कोई हारा, रिजल्ट आ चुका है, जनता को जो जनादेश है उसको सहर स्वीकार करना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा। जब आप हार जाएंगे तब लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, जब आप हार जाएंगे तभी मशीन खराब हो जाएगी, जब आप हार जाएंगे तो कहेंगे वोटिंग मशीन वोटिंग नहीं डालने दिया, जब आप हार जाएंगे तो कहेंगे हमारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तो इस तरीके से नहीं चलेगा, मीठा मीठा गुप कड़वा कड़वा थू, सारे नियम जो आपके लिए है वही भाजपा के लिए, वही सपा के लिए, वही कांग्रेस के लिए, सबके लिए वही नियम, वही आम आदमी पार्टी के लिए। अब देखिए आम आदमी पार्टी तमाम जगह पे जीती है, कैसी भाई उसको क्या कहेंगे, कैसी भाई कैसी जन साहब सुन लीजिए, उसको स्वीकार, अरे कैसी जन साहब, विपक्ष लामबंद हो रहा है आपके लिए, परेशानी है इस बार आसान नहीं है, 24 चुनाव इतनी जल्दी हैट्रिक नहीं लगेगी अब जी। गौरव जी लामबंद इस बार भी था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अच्छा तमाम जगह पे संयुक्त रूप से प्रत्याशी लगा रहे थे, अच्छा कैंडिडेट खड़ा करके, अच्छा क्या हुआ जी, जनता ने परिणाम दे दिया, उसको सहर स्वीकार करना चाहिए, अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए, आगे जो होगा वो भी देखा जाएगा क्या है, और आगे भी हमारी तैयारी कमजोर नहीं है। देखिए ये आप भी कहते हैं और विपक्ष के लोग भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, हमारे साथ जो कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे साथ जो मेहनत कर लोगों की फौज है, हम जो काम करते हैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और सभासद तक, वार्ड अध्यक्ष तक, यहाँ पन्ना प्रमुख तक, इस प्रकार से काम करता है, उस तरीके के कार्यकर्ता, उस तरीके से अच्छा होता भाई, इतनी मेहनत कर्नाटक में कर लेते बड़ा अच्छा होता, गड़बड़ हो गया वहां पर, सरकार चली गई आपकी जी। गौरव जी हम बता रहे परंपरागत किसी के, वो तो आप भी जानते हो, अगर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं जाते तो हालत और गंभीर थी, आपको ही पता है। देखिए गौरव जी उस चीज को हम स्वीकार करते हैं, हम अन्य पार्टियों की तरह नहीं है, ये मशीन पे आरोप लगाए। अब देखिए मेन चीज तो कांग्रेस के लिए आप बोलने के लायक नहीं है क्या, वो आरोप लगाए कि ये मशीन खराब थी, हैक हो गई, चुनाव जीत जाए तो लोकतंत्र बहाल, चुनाव हार जाए तो लोकतंत्र खतरे में, जीत गए अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन अब हार गए होते अभी ये तो कहते लोकतंत्र खतरे में, ये मशीन हैक हो गई, ये मशीन खराब हो गया, हम तो हमेशा से पांडे ठीक है व्यापारी भाई, आपके लिए तो खतरे की घंटी है, मैं तो बोलूंगा, अगर भाजपा कर्नाटक हार के दुखी है और उसको सजग होने की जरूरत है तो यहाँ पर आपको सजग होने की, आम आदमी पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की AIMIM सियान लग गई आपके वर्ग में, क्योंकि यहाँ पर अगर अब आप नहीं चेते तो हो सकता है कि ये परंपरागत वोट बैंक देश की 10 को राज करने वाली पार्टी कांग्रेस के साथ भी जा सकता है, चेतना जरूरी है, क्योंकि निकाय चुनाव आपने पूरा बाकोवर दिया है, नाबिर भाई इस बात को पूरी तरह अच्छी तरह जानते हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पूरा बाकोवर था, अब ये बाकोवर था या रणनीति का मेकओवर था वो आप स्पष्ट करेंगे। देखिए गौरव भाई, पहले तो मंच पे उपस्थित पूरे जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं सभी को मैं अनुमोदन के साथ प्रणाम समर्पित करता हूँ और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। जी देखिए, पहले धर्म का क्या होता था, चर्चा होती थी जी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जी, लेकिन अब उसका संयोग और प्रयोग दोनों ही भाजपा करने पे उतारू है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको समझने पड़ेगी कि ये वही भाजपा है जिसने BBC की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन किया। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में ये पसमांदा या मुसलमानों को लेकर के आज जिस तरह की बातें करते हैं एक विशेष समुदाय को लेकर के, तो मैं कह रहा हूं कि अगर इतना लगाव है तो योगी जी क्यों नहीं अपने पुराने बयानों के लिए सार्वजनिक मंच से मुस्लिम समाज से माफी मांग लेते। अच्छा, क्यों नहीं उन मंत्रियों से माफी मंगवाते, उन मंत्रियों से बाकायदा मंच पे खड़ा करके कान पकड़ के माफी मंगवाते जिन्होंने मुस्लिम विरोधी बयान दिए, मुस्लिम समाज के प्रति घृणित बयान दिए, और मोदी जी को कहना पड़ गया कि भाजपा के नेता मुस्लिम समाज के विरुद्ध कोई बयान ना दे। ठीक है,
मैं तो ये कहता हूं कि अगर राजनीतिक अवसरवादिता में भावना और सोच इतनी तेजी से बदलती है तो यकीन मानिए ये इस समुदाय के लिए एक बहुत खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा। उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूं। कर दीजिए। दो दिन पहले तक निकाय चुनावों के जिस गरीब जनता से हाथ जोड़ करके वोट मांग रही थी भाजपा, आज मोहन सराय वाराणसी में कृषि योग्य भूमि को गैर कानूनी तरीके से हड़पने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर व आवासीय योजना के नाम पे किसानों की किस तरह दुर्गति की जा रही है, किस तरह बल प्रयोग हो रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल है। अच्छा। दो दिन नहीं बीते, 48 घंटे। भाई मैं तो आज एक सवाल उठाऊंगा, इस मंच पे उपस्थित कोई एक पैनलिस्ट केवल ये बता दे कि समाजवादी पार्टी को यही भाजपा पानी पीकर क्या कहती थी, MY फैक्टर को नवाजने वाली पार्टी। आज ऐसी क्या स्थिति आ गई, आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि भाजपा आज मुसलमानों के लिए इतना समर्पण दिखा रही है, इतना समर्पित, तो इसके लिए तो हम बधाई के पात्र हैं। सुन लीजिए ना, हम तो बधाई के पात्र हैं, कम से कम हमने भाजपा को उनकी असली औकात तो याद दिला दी। अच्छा। कि एक धर्म को अपमानित करके इस देश की राजनीति में आप अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। अच्छा। और आप जिस तरीके की राजनीति करते आए हैं, मैं तो फिर जिम्मेदारी से कहूंगा, क्यों नहीं जिन लोगों ने बयान दिए, जिन लोगों ने भाई योगी जी के ऊपर जो अधिकतर मुकदमे हैं वो तो भाषण को लेकर के ही हैं, तो योगी जी माफी मांग लेना, योगी जी साबित करते मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। क्या क्या गलत है, गलत क्या है भाई? अगर भावना दिल में वैसी है तो सोच शब्दों में भी बाहर आनी चाहिए, गलत क्या है इसमें? मैं चुनौती देता हूं इस बात के लिए भाजपा के जो मंत्री, भाई प्रवेश वर्मा इनके एक सांसद जिन्होंने कहा था कि आर्थिक बहिष्कार करो, भाई इनके एक से एक नेता जो कहते हैं मुस्लिम के बच्चों का एनकाउंटर करो, हमने तो गलती करी, लैपटॉप और टैबलेट देने की कोशिश की, हमने बच्चियों को साल में दो बार यूनिफॉर्म देने की कोई गलती की। अगर ये गलतियां हैं तो ये मैं आज मुस्लिम समुदाय पे छोड़ता हूं, उन नेताओं पे छोड़ता हूं जो कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, आदरणीय मुलायम सिंह जी के समय, अखिलेश यादव जी के समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन योजनाओं का लाभ ले रहे थे, और समाजवादी पार्टी की आलोचना इसलिए होती थी कि वो MY फैक्टर की पार्टी। दो सवाल ले लीजिए प्यारे से मासूम से सवाल, मेरे प्यारे से सुनिए, प्लीज मेरे प्यारे से मासूम से सवाल ले लीजिए बेबी भाई। एक सवाल ये कि आपने कहा कि बीजेपी धार्मिक पक्ष पे खेलती है, तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी पक्ष पे खेल रहे थे? वो बैडमिंटन की पिच थी क्या? मैं जवाब दे दूं, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि वर्ग की बात आप करते हैं, दलित वर्ग OBC वर्ग की अब आप बात करने लगे हैं, अभी कुछ समय पहले आप गए थे आपके राज्यसभा प्रमुख और मानवर काशीराम की मूर्ति का अनावरण करने गए थे, वो कौन सी पिच थी, वो कौन सा वर्ग था? तो यहाँ पर हर वर्ग पर अपनी अपनी हितैषी सभी बताते हैं, आप अलग नहीं है, आप अलग नहीं है। अब आपसे वर्ग छिटक रहा है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है भाई? मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। दर्द हो रहा है। मेरे जवाब आ जाए। अब आपके सवाल पूरे हो गए तो जवाब। मासूम से सवाल है मेरे। आपका पहला सवाल था रामचरितमानस के। हाँ, बिल्कुल बोलूंगा। ठीक। रामचरितमानस का की जब बात आई सामने, तो आपको विहिप का बयान नहीं याद आया क्या? विश्व हिंदू परिषद या इनके RSS के जो नेताओं ने बयान दिए वो आपको याद नहीं आया? अरे मैं तो बीजेपी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सब ही बात कर रहा हूँ। मैं आपको वही ला रहा हूँ। आरोप लगा भाई, पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। मैं तो वही ला रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने केवल एक शब्द को लेकर के जो सवाल उठाया था, जिस सवाल का मतलब एक समुदाय को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना था, हे दृष्टि से देखना था, अपमानित करने की दृष्टि से देखना था, भाई RSS के नेता तो खड़े होकर के कह रहे थे कि उन्होंने तो कहा था कि जितने धर्म ग्रंथ है सबकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसमें कुछ शब्द डाल दिए। ठीक है, तो मैं क्यों ना मानूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सवाल उठाए वो उन्हीं के तर्क का एक सार था। अच्छा। क्यों ना उठाऊं भाई? अच्छा। हो सकता है कि जिसने लिखा उसने एक शब्द डाल दिया हो। ये तो RSS का बयान था। और सबसे बड़ी बात, हमने तो फिर भी, चलिए समाजवादी पार्टी में तो फिर भी इसको चुप कराइए। अरे यार, इसको पहले चुप कराइए। केसी भाई प्लीज, इसको चुप कराइए। मैं नहीं होने दूंगा डिबेट, गौरव मैं डिबेट नहीं होने दूंगा। केसी भाई प्लीज, मैं डिबेट नहीं होने दूंगा। इनकी आवाज ढूंढ कर आवाज भी करिए, मैं डिबेट आवाज भी करिए, मैं फिर आवाज भी करिए। केसी भाई बोलने नहीं दूंगा। केसी भाई प्लीज, अभी रुक जाइए। हां बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि जब यही बात RSS के किसी नेता ने कही, क्या भाजपा के किसी एक नेता ने उसका विरोध किया? किसी एक नेता ने? केसी भाई की आवाज ढूंढ जाए। ये केसी जेल में बैठे हैं क्या, इन्होंने विरोध किया? अच्छा। क्या इनके किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विरोध किया उस बयान का? अच्छा। नहीं किया ना, तो धार्मिक पिच पे कौन खेलता है? दूसरा सवाल आपका क्या था? हाँ। वो भी जरा रिपीट कर दीजिए। हाँ। ओबीसी समुदाय को लेकर। हाँ। भाई ओबीसी समुदाय को लेकर क्या बहुत देर बाद याद आई थी? नहीं नहीं, बिल्कुल याद। कभी परशुराम की शुरू से, कभी परशुराम की मूर्ति लगवाते तो कभी मानवर का। आज आपको एक चीज याद दिला देता हूँ, चलिए आप भूल गए होंगे। जब मुझे याद है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमारी मैनिफेस्टो में एक बात डाली गई थी, एक योजना डाली गई थी जिसका बड़ा विरोध किया था इन्हीं केसी जैन ने। और उस समय क्या ये था कि केंद्र की इंदिरा गांधी योजना
जो कि आवास योजना थी, इंदिरा आवास योजना, उसमें अल्पसंख्यक कोटा 60% करते हुए अधिकतर मकान देने का काम ओबीसी और पिछड़े समुदाय को किया गया समाजवादी पार्टी द्वारा। उस समय भी किसने इसके लिए आलोचना की, यही भाजपा थी। अरे आपको चार सरकारें रही हैं, मुसलमानों को आश्रय की बात करते हैं, आप तो मुसलमानों को आश्रय नहीं दे पाए। आगे सुन लीजिए ना, सुना लीजिए, आप सुन क्यों नहीं रहे, सुना लीजिए, क्यों दे रहे उनको, मैं बाघवर क्यों दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप इधर बात नहीं पूछ रहा हूँ। आज योगी जी का दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल में जो परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, सम परिस्थितियां, इनको समझ में आने लगी कि मुस्लिम समुदाय को अगर साथ न लिया गया तो भाजपा की साख समाप्ति की ओर बढ़ेगी। अच्छा, आज ये मुझे बता दीजिए, दूसरे कार्यकाल में ये बात आती है, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री बनकर के आसीन हुए थे उत्तर प्रदेश में, अच्छा, 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती इन्होंने क्यों रद्द किया आते ही, जिस उर्दू शिक्षक भर्ती को हाईकोर्ट से वो जीत के आए थे अभ्यर्थी। अरे ठीक है, चलो नहीं क्यों, मान लेता हूँ, मान लेता हूँ विरोधी है, चार हजार मान लेता हूँ विरोधी, आप विदेशी है, अरे आप विदेशी है कि नहीं, खत्म कर दिया, अरे आप विदेशी है कि नहीं, ये कौन सा एटीट्यूड है, चलो ठीक है भैया विवेक भाई, 4000 उर्दू शिक्षक, आप विदेशी है कि नहीं है, क्यों नहीं, आप इस बार के विदेशी है कि नहीं होता, मैंने सवाल विदेशी है कि नहीं है, मैंने एक सवाल उठाया, आप ऐसे कैसे कह दिया, चलो ठीक, अरे अरे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ, किसी के भर्ती करके चले, चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, चलिए आप तो विदेशी है, आपने क्या किया बता दीजिए, वो भर्ती हम ही ने निकाली थी, अच्छा, हमने ये किया, अच्छा, हमने मुस्लिम समुदाय के नेताओं के कहने पर वो 4000 भर्ती उर्दू शिक्षक की हमने निकाली, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, अब तक चुप्पी साधे बैठे हुए, समाप्त कर दिया, चुप्पी साधे बैठे हुए, सुन लीजिए, इन्होंने आते ही उस भर्ती पे रोक लगाई, हाई कोर्ट से जीत करके आए अभ्यर्थी, और उसके बाद इन्होंने भर्ती खत्म कर दी, अच्छा, हमने ये किया था, हमने वो भर्ती लाई थी, अच्छा, और बताइए, अच्छा, आपने पूछा ना क्या किया, मैं चुनौती देता हूँ, कितने उर्दू शिक्षकों को इन्होंने ज्वाइनिंग दी बताएं अपने कार्यकाल में, अच्छा, कितने मदरसों के आधुनिकीकरण की बात करते हैं, उर्दू शिक्षक कितने ज्वाइन करवाए, प्लीज नहीं नहीं अभी की बात पूरी हो तो फिर मैं जवाब दूंगा, मैं पूरा ले लूंगा, उसका दूसरे राउंड में बोलिएगा, सबको मौका दूंगा, बोलिए पहले अपने मुख्यमंत्री से माफी मांगे, सबको मुख्यमंत्री से बोलिए, अभी नहीं, अभी नहीं, विवेक पांडे प्लीज, और लोग भी हैं, बयान सुना दूं, ऐसे नहीं, बयान सुना दूं, कैसी जान, विवेक पांडे प्लीज, चड्डी का रंग बता, विवेक पांडे प्लीज, ठीक है, आपकी आप ही लोग कैसी भाई आवाज नहीं है, साक्षी महाराज को भूल गए क्या, ठीक है, विवेक पांडे प्लीज, पहले डेबिट कार्ड, भूल गए क्या साक्षी महाराज को, समय कम है, प्लीज प्लीज, हमारे साथ नेता आपसे जनक प्रसाद है, जनक भाई आपकी पार्टी भी बड़ी जलजले की तरह आई, आप भले हमारे डिबेट में लेट हो गए पर आज चले कोई बात नहीं चलता रहता है, पर ये बताइए कि किस तरह देखते हैं जो परिणाम आपके लिए आए हैं, बिरासत चुनाव में कुछ नहीं मिला पर इस चुनाव में आपको बहुत कुछ मिला है, आप जनता के साथ न्याय कैसे करेंगे, क्योंकि नगर पालिका भी जीते हैं, नगर पंचायत भी जीते हैं और पार्षद भी जीते हैं, क्या न्याय करने वाले हैं, दिल्ली मॉडल की बात मत करिएगा, दिल्ली मॉडल की तमाम खामियां मुझे पता है, बताइए जनक भाई क्या कहेंगे आप, बहुत बहुत धन्यवाद और माफी चाहता हूँ, कोई बात नहीं चलता रहता, मेरा काम भी बोल लगा है वैसे, और मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भाजपा की और सपा की बसपा की जो पिच थी जी उसको छोड़कर जी आम आदमी पार्टी की पिच पे जी उत्तर प्रदेश की जनता ने जी हम में विश्वास जताया है जी, और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ एक छोटे कार्यकर्ता के नाते जी कि हम वो मॉडल करके दिखाएंगे नगर पंचायतों में और जो नगर पालिका में हम जीते हैं और जो वार्डों में जीते हैं एक आदर्श नगर पालिकाएं नगर पंचायत और वार्ड में जीते हैं ये करके हम दिखाएंगे विद इन एक साल के अंदर में, चलिए ये करके हम दिखाएंगे क्योंकि हम इनकी पिच पे बैटिंग कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा हमारा वो डीएनए नहीं बना पार्टी का, अच्छा हमारा डीएनए बना है कि एक गरीब व्यक्ति को एक जो झोपड़ी में रहता है झाड़ू वाला पोछा वाला अच्छा। उसके बच्चे को अच्छी स्कूल की शिक्षा कैसे दें, अच्छा एक गरीब अगर बीमार पड़ जाए तो उसको बेहतर से बेहतर इलाज उसको कैसे मुहैया कराए, नया मॉडल लेके आएंगे दिल्ली मॉडल लेके आएंगे, दिल्ली मॉडल की बात मत करिएगा, देखिए अगर आप दिल्ली मॉडल की बात कर लीजिए कर लीजिए, चलिए आप कांग्रेस वालों से पूछिए आप कि कर्नाटक में
जो उन्होंने जो स्कीम भाई दिल्ली कॉपी पेस्ट की है वो किसकी कॉपी है? कूड़े के पहाड़ है। देखिए केजरीवाल वहाँ पर मेट्रो के जा रहे हैं। अरे सर अभी बात करें दिल्ली मॉडल की, अभी सर जीते हुए जुम्मा जुम्मा जीते हुए सरकार है, छह महीने बात पर लटका के रखा की बात मत करिए। आप टेंशन मत लीजिए, तो कूड़े के ढेर भी साफ होंगे और नदी भी साफ होगी। इसी बार सरकार है आपकी, नदी भी साफ होगी 2025 में। आप नहाने भी चलेंगे, हम गारंटी भी चलेंगे। मथुरा में नहाएंगे, दिल्ली में नहाएंगे, दिल्ली में नहाएंगे। अरे भाई अभी चलेगा, ठीक है चलिए। नहीं मैं तो चलने के लिए तैयारी बैठा हूँ, पहले स्नान करेंगे हम लोग दिल्ली भाई के साथ में। तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हमारी हमारे ही पार्टी को, हमारी पार्टी के मेंबर्स को हमारी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं भाई। आप अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली भी तो केंद्र के अधीन है ना। आप इसका ठीकरा पूरा इनके ऊपर फोड़ते हैं तो एलजी वाली व्यवस्था क्यों लाई गई दिल्ली में? अभी इनके हाथ से नियंत्रण क्यों लिया गया भाई? नियंत्रण भी नहीं देना है और उसके बाद सुधार भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना? दोहरा रवैया क्यों दिल्ली के साथ ही क्यों? भाई, और भी पर्यावरण विभाग और भी केंद्र शासित प्रदेश है, मुझे पता है गठबंधन हो गया है, मुझे पता है गठबंधन हो गया अंदर से, मुझे पता है। ठीक है पांडे जी, लंबी मैं आपको बताता हूँ की अभी जो मान जस्टिक जो साहब ने अभी डिसीजन दिया है वो भाजपा के मुंह पे तमाचा है। हमारी पार्टी अच्छा मॉडल लेके आएगी उत्तर प्रदेश में और सबके लिए काम करेगी। ठीक है, हमारे साथ आज विशेष हमारे साथ गेस्ट मौजूद है अजरा मोमिन जी। अजरा जी, आपने सबको सुना और सभी जो महत्वपूर्ण चर्चा विषय था वो चर्चा विषय ये था कि जिस वर्ग की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं उस वर्ग पर कोई बात करना नहीं चाह रहा है। सब ऐतिहासिक अपने आप को बताते हैं और उस वर्ग के साथ क्या हुआ है सबको पता है। और अब ये वर्ग जिस तरह से जनाधार दिख रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण बात है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर, तो अब ये वर्ग कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब जिसका परंपरागत वोट बैंक कहलाया जाता था वहां से छिटक रहा है और शायद लोकसभा चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी के साथ भी जा सकता है। कैसे देखते हैं गौरव भाई? देखिए इस देश का मुसलमान कभी इसने अकेले चलने की बात ही नहीं की है, इसने हमेशा सबके साथ चलने की बात की है। और मुसलमान हो करके भी इसने कभी अपना किसी मुसलमान नेता माना ही नहीं, तैयार ही नहीं किया, क्योंकि इसकी आदत में शुमार नहीं था कभी। ये सबके साथ चलने को तैयार रहा जी। लेकिन इसकी ये बुराई, इसकी ये अच्छाई आज बुराई बनकर सामने आ रही है। जो लोग इसको अपने वोट बैंक समझने के लिए खाली अब इस्तेमाल करते हैं, जब वोट नजदीक आ जाता है तो सारी जितनी जो भी पार्टियां हैं वो सब इसको वरगलाने का काम करते हैं, फिर उस वक्त सभी इसके हितैषी बन जाते हैं। लेकिन जब मुस्लिम पर कोई वार होता है तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, जब सड़ जाती है, जब मॉब लिंचिंग होती है तब उसको उस पर बोलने को लिए कोई तैयार नहीं होता है, जब बिल्किस बानो जैसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है और उसकी बलात्कारियों को संस्कारी बता करके छोड़ दिया जाता है तो उसको मजहब के चश्मे से देख करके उसको इंसाफ नहीं दिलाने की कोई बात करता है और सभी खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, तो अफसोस होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का कोई हितैषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करता है। रहा सवाल बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि वो बहुत मुस्लिम को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, पसमांदा की बात करते हैं, इन्हीं के समुदाय के लोग, यही आरएसएस माइंडेड लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, जय श्री राम का नारा न लगाने पर मार दिया जाता है, दाढ़ी नोच करके मारा जाता है, कितने नौजवानों को मार दिया गया है, तब क्या मुसलमानों से प्यार नहीं नजर आता है? तब क्यों खामोश हो जाते हैं? क्यों ऐसा धर्म और मजहब की राजनीति करना चाहते हैं? अरे मुद्दों की बात कीजिए ना, जरा इससे हट करके। जैसे हमारा पूरा पुराना हिंदुस्तान था, भारत था हमारा, हमको वैसा चाहिए, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाने के लिए मशहूर था, गुलदस्ते की तरीके से मशहूर था, आज हमारे उस गुलदस्ते को बिखेरने की कोशिश की जा रही है। क्यों इस तरीके की लोग बात करते हैं? बड़ा अफसोस होता है गौरव भाई, जब धर्म की राजनीति को ला करके यहाँ पर आपस में टकराने की बात करते हैं और मुसलमान को सिर्फ मोहरा बनाया जाता है। ठीक है जयराम भाई, आप भी बड़ी मेहनत से लड़े। खैर जी जी किसी भाई, आप जवाब दूंगा। ये अजरा मोमिन जी है, ये इस्लामिक स्कॉलर है जी। लेकिन जिस तरीके की भाषा के इन्होंने इस्तेमाल किया जी, अभी घोर आपत्ति है जी। अरे आपत्ति जता लीजिएगा अभी, कैसे भाई आपत्ति जताइएगा, अभी आपको टर्न दूंगा कैसे भाई, आपको मौका दूंगा, मुझे दो मिनट समय दीजिए, मुझे आप लोकतंत्र में बिल्कुल बोलिए, मेरी तरफ से खुली आजादी, आप आपत्ति जताइए। आपत्ति जाती है वो कपड़े देख के बता देते हैं आपत्ति, उनको तो कपड़े देख के आप लोग आपत्ति दिखा देते हैं। बोल लीजिए जल्दी बोलिए।
मेरी बात सुन लीजिए, जल्दी बोलिए। देखिए ऐसा है कि अगर आप स्कॉलर हैं और अगर आप किसी का कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि आपका पता नहीं कौन सा क्या नजरिया है। संघ का ही एक वर्ग है वो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। अच्छा, लाखों लाख मुसलमान इस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अच्छा जुड़े हुए, वो भी संघ से ही जुड़े हुए। अच्छा, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के रोजा इफ्तार पार्टियां भी आयोजित कर रहा है। तो इस तरीके के तोहमत लगाने से पहले संघ को समझ लीजिए, संघ की विचारधारा को समझ लीजिए। ठीक है, आपके अंदर जो जहर भरा हुआ है, अरे ये कौन सी बात है भाई, अरे ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है, ये कौन सा वाली जहर भरा हुआ है। आपके पार्टी के लोग अभी कल मुझसे कह रहे हैं कि मुझे मुसलमान होने की वजह से मुझे प्रमोट नहीं किया जाता है, मैं वही का वही बना हुआ, मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। चले गंदी विचारधारा को जो जहर आपको पिलाया। अरे भाई ये सब कौन सी बात है भाई, किसी भाई शब्दावली ध्यान रखिए भाई, मर्यादा बना रखिए, मर्यादा बना रखिए भाई, सांप्रदायिकता रूप से ये मर्यादा बना रखिए भाई। महिला है, सब स्कॉलर है, बुद्धिजीवी है, दिल्ली से मेरा ठहरा हुआ था यात्री, जब उसके साथ 8-10 लोग ट्रेन में घुसते हैं और उसको मुसलमान समझ के दाढ़ी पकड़ के मारते हैं, ट्रेन से उतार करके मारते हैं, कपड़े उतार के मारते हैं, कहाँ सोए हुए थे। चले ठीक है, हो गया, अगले बार बोलिए, अगले बार बोलिएगा केसी भाई, केसी भाई अगले टर्न में बोलिएगा। ठीक है हो गया, ठीक है ठीक, केसी भाई प्लीज, केसी भाई प्लीज, सर ठीक है ठीक है, चलिए अगली बार अगली बोलिए, अभी मौका दूंगा आपको, आपको सबका जवाब देना ठीक है। मैं तो जयराम भार्गव जुड़े, जयराम भाई आप चुनाव लड़े हो, मैं जो आप किसी व्यक्ति को कह सकते हैं इसलिए मैं केसी भाई, केसी प्लीज अभी आप जवाब दीजिएगा, केसी भाई, केसी भाई आपको मैं सक, केसी भाई अभी आप जवाब दीजिएगा, क्या बात धीमी की जाए। ठीक है जयराम भाई, चुनाव लड़के आए हैं और चुनाव में सफलता भले ही नहीं मिली पर आपने मेहनत की है, उस मेहनत का सभी लोग यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है जयराम भाई, पर आने वाले समय में क्या रणनीति रहने वाली है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 चुनाव आ गया है और आप भी यहाँ पर एकला चलो नीति पर कई बार बोल चुके हैं। जयराम भाई कैसी रहेगी रणनीति आपकी? देखिए जिस तरह चुनाव के बाद जी सभी पार्टियां जी हारी या जीती सभी समीक्षा करते हैं, तो भारतीय समाज पार्टी भी जी अपने संगठन को लेकर के समीक्षा करेगी जी। साथ में हम अभी वर्तमान में जी 3 चेयरमैन जी और कुछ पार्षद, कुछ सभासद, कुछ नगर पंचायत सदस्य जी जी, हम 12 सीट जो है जी नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे जी वो हारे हैं, उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, कुछ हमारे सभासद हारे उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं जी। अब रही बात आती है कि शहरों में स्वयं भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन उतना जनाधार नहीं था, लेकिन हम 2017 के मुकाबले जी 2023 में जब हम चुनाव लड़े तो शहरों में चंद्र भारतीय समाज पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, हम इससे बहुत खुश हैं। ये इसलिए खुश हैं कि शहरों में जो शहर के मतदाता हैं स्वयं भारतीय समाज पार्टी की नीति, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करते हैं, उसको लेकर के शहर के भी मतदाता जो है स्वयं भारतीय समाज पार्टी में आस्था जता रहे हैं। और हम जो कुछ सीटें हारे हैं पर वोट नहीं दे रहे हैं, गौरव भाई 51 वोटों से कहीं हारे हैं, कहीं 200-300-250 वोटों से हारे हैं, वो मंथन का विषय है कि ये हमारे जो मतदाता थे या जो हमारे प्रत्याशी से वो इतने अंतर से जो हारे, कम अंतरों से हारे जी, तो उसकी भी हम लोग इसमें गुणागणित कर रहे हैं। बाकी एक चीज मैं बता दूं, अगर अच्छी लोकतंत्र चाहिए जी तो सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, सरकारों को भी चाहिए कि सभी को साथ लेके चले, ठीक, विपक्ष का काम है, विपक्ष को लोग भी सरकार के साथ बैठ करके सहयोग करें, और सरकार का काम है विपक्ष को लेकर के साथ काम करें, तो ये तालमेल बना रहे। चुनाव जाने चुनाव जब हम चुनाव लड़ रहे थे जी आरोप प्रत्यारोप तो ये होता है, ठीक, तो इन चुनावों के बाद अब जनता जनार्दन ने अगर आशीर्वाद जिसको दिया है वो जनता के लिए काम करे, स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी यही उम्मीद लेकर के फिर हम दोबारा जनता के बीच में जाने का काम करें। ठीक ठीक है जी, नाबिर भाई आपसे बेहतर आकलन कौन करेगा, सब जानकारी आपको है, कैसे बाकओवर दिए गए, कैसे मेकओवर किया गया, और इस वर्ग की जिसकी हम बात कर रहे हैं उस वर्ग ने अगर अपना जनाधार कहीं और दिया है तो उसके भी एक कुछ कारण है,
और कहीं ना कहीं ये अब आने वाले समय में उन पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है जो पार्टी सोचती है कि वर्ग हमारा है। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को, किस तरह देखते हैं निकाय चुनाव को, परिणामों को? ये चुनावी नतीजे जो है वो एक मायने में चौंकाने वाले इसलिए है जी, भाजपा का बंपर जीतना जी नेचुरल बात है, भाजपा का दौर चल रहा है, उसका जनाधार है जी, उनके नेता मेहनत करते हैं, उनका कैडर है, उनका चुनावी मैनेजमेंट है। लेकिन जी जब चुनाव हुआ था तो हम लोग कुछ चीजों को देख रहे थे और हम लोग को लग रहा था शायद भाजपा कुछ डाउन हो नतीजों में जी, और एग्जिट पोल ने भी यही बताया जी। उसका कारण ये था कि भाजपा का वोटर निकला नहीं था, यानी वोटर ही कम निकला था। उसका दोष कोई भी हो, दो चीजें होती है जब वोटर कम निकलता है, एक तो वो तकनीकी आयोग ने जिला प्रशासन ने लापरवाहियां थी, आयोग की लापरवाही यही थी कि ज्यादातर लोगों के नाम गायब थे। हम हमेशा सूची से गायब रहते हैं, कोई भी चुनाव होता है हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस बार ज्यादा लोगों के नाम कटे हुए थे, नाम थे ही नहीं जी। और तब जब हम कहते हैं कि नया इंडिया है, हाईटेक इंडिया है जी, नया भारत है जी, बहुत कुछ बदल गया है जी, ऐसे में आधी से ज्यादा आबादी वोट के अधिकार से वंचित रह जाए आज के दौर में, मोदी जी के दौर में, योगी जी के दौर में। और वो लोग जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाकई एक नया परिवर्तन, एक नई क्रांति लाई है, देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, उनके सामने ये सवाल उठता है बिल्कुल कि आज के आधुनिक युग में, आज जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारी चीजें इतनी डेवलप हो गई है, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, उसके बाद भी आधे से भी कहीं ज्यादा आबादी वोट देने जाती है लेकिन वोट दे नहीं पाती जी। उससे ये अंदाजा लगाया गया शहरों में खास तौर से कि शहरों में ज्यादातर भाजपा का वोटर होता है। अच्छा। भाजपा वोटर वोट ही नहीं दे पाया, सवाल यही नहीं, आकलन ये भी किया गया कि भाजपा का भी वोटर वोट नहीं दे पाया, इसलिए भाजपा की जो ग्राफ बढ़ता हुआ है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा जब वोटर गया ही नहीं। सही बात है। दूसरी चीज ये उत्साह भी नजर नहीं आया वोटर जी, जो हम लोगों ने जमीन पे देखा था बिल्कुल उतना उत्साह नहीं था जितने दीवानगी खासतौर से शहरों में भाजपा के प्रति लोगों की होती जी। तीसरा फैक्टर ये था कि ध्रुवीकरण नजर नहीं आया था इस चुनाव में। क्या बात है। ध्रुवीकरण इसलिए नजर नहीं आया था, कार्य ध्रुवीकरण तब होता है जब एक पार्टी को एकजुट होकर एक धर्म एक समुदाय के लोग वोट दे रहे हो, जैसा कि विधानसभा में जी। विधानसभा चुनाव में भाजपा एंटी जितने भी वोटर थे जी, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी वाले थे या किसी भी जात के थे या खासतौर से मुस्लिम जी, सब एक हो गए थे और वो समाजवादी पार्टी के बारे में उन्होंने ये विचार किया था कि भाजपा को टक्कर दे सकती है, इसलिए इनको वोट दिया जाए भले ही वो सपा को पसंद ज्यादा नहीं जी। उससे क्या हुआ था, ध्रुवीकरण हुआ था जी, और तो फायदा भाजपा को ज्यादा हुआ जी। ये सब नहीं था इसलिए हम लोगों ने माना कि भाजपा बहुत अच्छी जीत लेकिन हासिल जी। उसका भी एक कारण जो समझ में आता है जी कि भाजपा का वोटर कब निकला, वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम थी, उत्साह नहीं था, ध्रुवीकरण नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये थी विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर था और विपक्ष बहुत बुरी तरह से बटा हुआ। विपक्ष इतना कमजोर था कि वो कई मायनों में तो देखा गया लग रहा था कि चुनाव लड़े ही नहीं, मायावती ने एक सभा भी नहीं की जी, प्रियंका गांधी झांकी नहीं यूपी में बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी मेहनत की जितनी जनसभा की उसका 20% भी अखिलेश यादव ने जनसभा नहीं बिल्कुल। लास्ट टाइम में जयंत चौधरी ने कहा कि हम सभा ही नहीं करेंगे लीजिए। होता क्या है कि जो विपक्ष कमजोर है सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी लड़ सकती थी लीजिए, लेकिन समाजवादी देखिए मजबूरी क्या थी, हमारे सामने कोई मेधावी होता है, जब हमारे सामने कोई बड़ा मुकाबला होता है तो हमें ज्यादा, जो कमजोर बच्चा होता है वो परीक्षा में ज्यादा पढ़ाई करता है, अच्छा जो साल भर पढ़ता है जैसे बीजेपी ये लोग नहीं पढ़ते पर जी, वो अगर कम भी पढ़ती तो भी पास हो जाती, लेकिन भाजपा ने ज्यादा मेहनत की है, यानी जिसने साल भर पढ़ा वो परीक्षा में भी दो साल भर नहीं पढ़ा वो जी। नवीन भाई आपको लगता है कि पूरा तरह से वॉकओवर था? नहीं, मुझे वॉकओवर नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस था। देखिए अब बहुत खुली हुई बात है जी,
बसपा के बारे में आरोप लगाया जाता है कि उसने एक तरह से विलय कर लिया, बसपा का कतई मकसद नहीं है कोई सीट निकालना, ये आरोप लगाए जाते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सब लोग बसपा का एक उद्देश्य है समाजवादी पार्टी को आगे नहीं बढ़ना, उसके लिए उनके पास एक फार्मूला है, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करो, वोट बढ़ जाएगा, 1,000, 10,000, 5,000, 500, 200, इससे समाजवादी पार्टी हार जाएगी और भाजपा का नुकसान नहीं होगा। ये बात समझ में भी आती है कि बसपा दलितों की, दलित समाज पर आधारित पार्टी है, उसका जन्म भी यहीं से हुआ, एक मिशन है न्याय दिलाना दलित समाज को, कमजोरों को। लेकिन बसपा जब टिकट देती है तो कतई भी दलित समाज को उतना नहीं देती जितना देना चाहिए। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है मंशा लगने लगी है लोगों को। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं, विपक्षी भी कहते हैं कि अगर वो दलित प्रत्याशी ज्यादा बसपा खड़ा करेगी तो भाजपा से वापस दलित आ सकता है, यानी भाजपा का नुकसान हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो मुस्लिम कैंडिडेट इसलिए ज्यादा खड़ा करती है ताकि सपा का वोट कटे। एक तो ये फैक्टर हो गया कि बसपा को आप इस सूरत में देख लीजिए, कांग्रेस की यूपी में स्थिति बहुत बुरी है, 2% वोट मिला था विधानसभा में जब प्रियंका गांधी जी ने बड़ी मेहनत की। अब आप मान के चलिए इस चुनाव में तो कोई भी हाईकमान ने जरा सी भी तवज्जो ही नहीं दी, बिल्कुल मैदान खाली कर अपना पूरा अन्य स्टेट्स के लिए और कर्नाटक के लिए और तमाम चीजों के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए राहुल गांधी की मेहनत। तो कुल मिलाकर कमजोर विपक्ष से भाई कुल मिलाकर बोल सकते हैं। सवाल देखिए, वाकआउट जो आप बात कर रहे हो यहाँ पर सिर्फ ढील अखिलेश यादव की थी, अखिलेश यादव से उम्मीदें थी पूरे उस जमात की, उस वोटर की, उस जनता की, जो वो कर्नाटक गए हुए थे और जो मध्यप्रदेश गए हुए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव मध्यप्रदेश जा रहे हैं, कभी सारस को लेकर वो अपने बयान दे रहे हैं, वो जनता से कनेक्ट उस तरह से नहीं हो पाए जैसे उनके पिताजी। पांडे नहीं मानेंगे, वो तो मानेंगे नहीं, हमारे नेता बड़ी मेहनत करते हैं, राजनीति जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल सही करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ा स्टेट संभालना होता है एज अ मुख्यमंत्री, उसके बाद भी उन्होंने कितना समय निकाला, 55 सभाएं की हैं, अभी ने 55 सभाएं की हैं, 55 सभाएं, 55 जनसभाएं, 55 सभाएं की। और उत्तर प्रदेश में यादव जी क्या कर रहे थे, उनके बराबर ही अगर कर लेते तो माना जाता कि भाई इन्होंने मेहनत की। जवाब आ गया, ठीक है, जवाब आ गया बेबी पांडे। ठीक है केसी भाई, अब आप सबका जवाब दे दीजिए, समय आपका। केसी भाई नहीं देखिए, अभी जो है आदरणीय नागेश सिको जी ने अच्छी समीक्षा की, और एक दिन चर्चा हो रही थी, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उस दिन नागेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने चमत्कार दिखाया है चमत्कार तो बिल्कुल इनको और अधिक ऊंचा पद मिलना चाहिए भविष्य में। अच्छा। और ये हमारे सबके लिए खुशी की बात होगी, ये हमारे प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री और अधिक ऊंचे पहुंच रहे। तो देखिए नागेश जी ने अभी बहुत अच्छी समीक्षा की कि अब आज देखिए चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, जिसको जो कुछ बनना था, जितनी सीटें जीतनी थी, जो निर्णय था वो आ चुका है। चलिए विवेक पांडे जवाब दीजिए, विवेक पांडे बहुत देर से आपको जवाब का इंतजार कर रहे हैं। विवेक पांडे नहीं, अब जरूरत इस बात की है जो है गौरव जी, कि हम अपनी अपनी समीक्षा करें। अच्छा, देखिए भारतीय जनता पार्टी जीती जरूर है, लेकिन जीतने के बाद में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हमारी सीटें, अभी आपने एक जो डाटा रखा जी, उस डाटा को बिल्कुल कतई नकारा नहीं जा सकता है कि अच्छा केसी भाई, केसी भाई वो ठीक है, केसी भाई यहाँ पर विवेक पांडे, आप विवेक पांडे बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी बता रहे थे, उसका जवाब दे दीजिए भाई, उस समय बड़े नाराज हो गए थे, भूल गए आप। उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि केवल और केवल समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वर्ग को लुभाने के लिए उसके अंदर एक भय का माहौल बनाने का काम किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। अच्छा। अब क्या है कि देखिए आज से नहीं है, हम तो सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेके हमेशा से चल रहे। अरे कह दीजिए आपके नेता माफी मांग ले, मुख्यमंत्री जी अपनी बातों के लिए माफी मांग ले, हृदय परिवर्तन कर ले, प्रायश्चित कर ले। अब्दुल कलाम जी को, केसी जैन जी बोलिए, मुख्यमंत्री जी प्रायश्चित कर ले मुसलमानों के सामने, अपने बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से मंच से माफी मांगे और मंगवाए अपने उन नेताओं से जो द्रोही बयान देते थे। मैं तो कह रहा हूँ केसी जैन जी, केसी जैन जी मुख्यमंत्री से और उन नेताओं से, केसी जैन जी मुख्यमंत्री से और उन नेताओं से सार्वजनिक मंच से बयान मंगवा करके प्रायश्चित करवाइए, तो प्रायश्चित करवाइए।
बताइए, मैं तो पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, कहिए आप इस जनता हाथ में लेकर के प्रायश्चित करें, गंगा जल से शुद्धिकरण नहीं होगा, क्योंकि मानसिकता और भावना मुस्लिम विरोधी है जी और रहेगी। बोलिए ना, अरे बोलिए तो माफी मांगे ना। अरे अब्दुल कलाम का नाम लेने वाले जरा ये बता दे, आपके सांसद जब आर्थिक बहिष्कार कर रहे थे तब आपके मुंह में क्या घी जम गई थी, बताइए ना। जब पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे आपके गिरिराज सिंह, मुंह में घी जम गया था क्या? जब चाकू की धार तेज करने की बात हो रही थी, मुंह में धार चढ़ गया था, तब अब्दुल कलाम नहीं याद आए? तब अब्दुल कलाम नहीं याद आए? बताइए ना। जब रामचरित पारस के लिए 1,00,000 रुपए का चंदा दिया गया, फंड दिया गया सरकार द्वारा, तब 1,00,000 रुपए का रोजा इफ्तार नहीं याद आया क्या? बताइए ना। अरे भाजपा के गुंडो, तुम सिखाओगे हमको? आप लोगों ने जिस तरह से लिंचिंग की, गो हत्या की, अखलाक को भूल गया क्या? और सुनिए, बिल्किस बानो पसमांदा के हितैषियों, बिल्किस बानो भी पसमांदा समाज से आती है। विवेक पांडे बोले बिल्किस बानो भी पसमांदा समाज से आती है, जिसके बलात्कारियों को छोड़ करके आपने पसमांदा समाज की खिल्ली उड़ाई है, पसमांदा समाज की खिल्ली उड़ाई है। एक बलात्कार के, एक बलात्कारी के, बलात्कारियों को छोड़ करके आपने उत्तर प्रदेश पांडे, नहीं आप ही बताइए विवेक पांडे, बे भाई आपको इतना दर्द था, आपने कहा वास्तव में ये गलत हुआ है, तो आप उसके लिए रोड पे क्यों नहीं उतरे? हम उतरे, आज भी उतरते हैं, हमारी आवाज उठ रही है। सुन लीजिए गौरव भाई, आप पीटीआई है, आपके माध्यम से ये बात फिर उठा रहा हूँ। पसमांदा समाज की बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ के उत्तर प्रदेश में पसमांदाओं को टिकट देना क्या तरह का रोड था, क्या छवि खराब थी, डैमेज कंट्रोल था क्या? बताइए ना, वो भी तो पसमांदा समाज की थी, ये क्या डैमेज कंट्रोल था उत्तर प्रदेश में पसमांदाओं को टिकट देके? डिबेट में इतना बोल रहे हैं आप लोग, इसके प्रदर्शन किए क्या? आमिर भाई आप बताइए, क्या रोड पर आए थे ये लोग? हमने आवाज उठाई, हमने आवाज भी उठाई, कब रोड आए उठाई बता दीजिए, आवाज बार बार नहीं उठाई, डिबेट में आवाज बार बार उठाई, क्या बात करेंगे गौरव भाई? मार्च 2022 10 मार्च, सुन लीजिए किस भाई, मेरा एक सवाल आप ले लीजिए ना, बिल्किस बानो में इनका स्टैंड पूछ लीजिए, बिल्किस बानो पसमांदा समाज की है, स्टैंड पूछ लीजिए इनका, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूछिए भाजपा का स्टैंड क्या है बिल्किस बानो के बलात्कारियों पे, पूछिए ना क्या स्टैंड है गौरव भाई, आपकी मदद पूछिए, सरकार से सवाल कीजिए, सत्ता से सवाल कीजिए। अजरा मोमेन बोलेंगे, अजरा मोमेन बोलेंगे, अजरा जी बोलिए, अजरा मोहम्मद जी पूछ रहे हैं आपसे कुछ भाई, केसी भाई अजरा मोहम्मद पूछ रहे हैं, हितैषी है आपकी सरकार, महिला हितैषी है, आपके बकौलात के अकॉर्डिंगली महिला हितैषी है, तो मुस्लिम हितैषी है। आप ये बताइए कि बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय हुआ वो सही हुआ है या गलत, आप इसका जवाब दीजिए। अरे मुद्दा क्यों नहीं है भाई, मुद्दा तो हम खड़ा करेंगे ना, मुद्दा बिल्कुल है, हम महिलाओं के लिए सबसे बड़ा, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाता है, आप कहते हैं कि मुद्दा नहीं है, आप मेरी, हम महिलाओं की इज्जत के साथ बलात्कार हो जाएगा, करती हूँ आपके इस वक्तव्य का, शर्म आनी चाहिए आप महिलाओं के किसी भाई, एक महिला के लिए बंद करने पे टैक्स लगा देती थी, आप क्या जानेंगे साहब इज्जत क्या होती किसी महिला?
महिला थी। आपके आजम खान, आपके आजम खान की बात कर रहे हैं आप? शाहजहांपुर में 16 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, इनकी सरकार है। शोषण हुआ है 16 बच्चियों के साथ जिम्मेदारी नहीं लगी है, केवल बधाई चाटेंगे बेशर्मों की तरह। ठीक है दयाराम जी, दयाराम जी जी वो दिख रहा है। अरे भाई भाई तबियत खराब मत करिए, आराम से आराम से आराम से। कैसी भाई संयम बनाए रखे, कैसी भाई कैसी जन, बारी बारी बोलिए सब, क्या डाउन की जाए, सब क्या डाउन की जाए। लीजिए महिलाएं अपने मशीनें ठीक है, चले ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, मुझे बात आ गई, मुझे बात आ गई, चले बात आ गई, बात आ गई। ठीक है भाई ठीक है ठीक है ठीक है, कैसी भाई क्या धीमी की जाए, चल ठीक है ठीक है। दयाराम भाई आपका कमेंट, फिर नावीर भाई का कमेंट लेना था। इस बार जिसके बात कर रहा है चुनाव पे बैठे हैं जी, जी निकाय को छोड़ करके आज हम जीते और हारे हैं उससे एनालाइज करने की बात है जी। उत्तर प्रदेश में जी जिस लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए था जी, वो अधिकारी जी अपना प्रमोशन पाने के लिए सरकार के लिए काम करने से बाज नहीं है। अच्छा इस चुनाव में कुछ अधिकारी जो बेईमानी करके सरकार के नजर में हीरो बनने लगे थे जी। मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा अच्छा कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। चलिए लोकतंत्र को विपक्ष मांगी करेगा, विपक्ष का बचा नहीं कुछ, तो विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक साथ हो जी, जिससे देश का कानून और देश का संविधान ठीक दोनों बचा रहे, आपस में भाईचारा भी सब में बना रहे जी, ये खूबसूरती हमारे देश की यही है जी। जी ठीक है नावीर भाई, आपका आखिरी कमेंट में लूंगा, उसकी चर्चा खत्म करता हूं कि चर्चा में मुझे भी अब कुछ कंक्लूजन निकालना है। नावीर जी जी मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का जनाधार है और जो ताकत है फिलहाल, उससे लड़ने के लिए विपक्षी दल कोई भी उस काबिल नहीं है। समाजवादी पार्टी जिसका विधानसभा चुनाव में एक बड़ी ताकत के तौर पर टक्कर दी थी, लेकिन उसके बाद में अब समाजवादी पार्टी बिखरी हुई लग रही है और विपक्षी दलों के बीच में फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई भी एकता नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कोई लोकसभा चुनाव में कोई टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। एक बात को बस मैं कम शब्दों में खत्म कर दूंगा, क्योंकि भाजपा लड़ने के लिए विधानसभा चुनाव में भी एकजुटता नहीं थी, लेकिन जनता एकजुट हो गई थी भाजपा को हराने के लिए। भाजपा विरोधी जो जनता थी वो एकजुट थी, लेकिन निकाय चुनाव से ये पता चल गया है कि जनता भी अब बिखर गई है और विपक्ष भी अब बिखर गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले। ठीक है तो आज चर्चा में जुड़ने सभी का धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का जो परिणाम है वो किसके लिए संजीवनी है और किसको यहाँ पर बेचैनी हो रही है। चर्चा महत्वपूर्ण थी, चर्चा यहाँ पर कहाँ पर जाके कहाँ खत्म हुई है ये हमने देख लिया। महिला सम्मान की बात केवल करने से नहीं होती है, महिला सम्मान की भावना मन में आनी चाहिए, विचार आने चाहिए। किसी भी महिला के लिए जहरीला शब्द और तमाम शब्द नहीं बोलने चाहिए। हर आदमी का अपना एक व्यक्तित्व होता है और अपनी विचारधारा होती है, और जब वो डिबेट में आता है तो अपनी विचारधारा के साथ अपनी बात रखता है। वो किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी समाज का, किसी पार्टी का, किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और जब प्रतिनिधित्व करता है तो उस वर्ग के लिए बोलना या उस वर्ग के दर्द को साझा करना या उस वर्ग की बात करना उसके लिए लाजमी है, वो करेगा। इस पर किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए, सबकी अपनी भी बातें हैं, विचारधारा है, जवाब देना चाहिए शालीनता के साथ, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की संस्कृति शुचिता से भरी हुई है, गंदगी से भरी नहीं, खूबसूरती विचारों में होनी चाहिए, भाषा में होनी चाहिए, बात रखिए पर शांत रूप से। ऐसे शब्दों का उपयोग ना किया जाए जिनसे केवल सुनने में नहीं बल्कि हृदय को भी तकलीफ हो, क्योंकि अगर आप विचारधारा को बांधने का प्रयास करेंगे तो विचारधारा ना बन कभी बनी थी ना कभी बनेगी। फिलहाल निकाय चुनाव के परिणाम से स्पष्ट हो चुका है कि इस बार जो विपक्ष है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के साथ साथ अन्य वोट बैंक में सेंध भी लगानी पड़ेगी। 24 चुनाव बहुत आसान नहीं है, ना विपक्ष के लिए और ना सत्ता पक्ष के लिए, पर एक बात स्पष्ट है कि 24 चुनाव के बाद एक तस्वीर स्पष्ट होगी
कि जनता का जनाधार किसके साथ है, कि जनता जनार्दन है और जनता ही फैसला करती है किस बार सबसे बड़ी और सबसे ऊंची कुर्सी पे किसको बैठाना है। और जनता तमाम मायनों में अपनी मजबूती और अपनी भूमिका दिखा चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें और चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे आने वाले समय में तमाम चुनाव होंगे उनकी बात करेंगे। चर्चा जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, पर डिबेट के माध्यम से नहीं। अगर वास्तव में आपको संघर्ष करना है या वास्तव में आप जनता के हितैषी हैं या वास्तव में आप किसी वर्ग के हितैषी हैं तो खुलकर सड़क पर आइए, डिबेट में नहीं। और केवल ट्वीट के माध्यम से अगर राजनीति करेंगे तो उसका लाभ कुछ नहीं होने वाला है। जो परिणाम आ जाए हैं उसी परिणाम को आप पाते रहेंगे। अगर वास्तव में संघर्ष करेंगे तो विचारधारा बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, सत्ता बदलेगी, और नहीं तो ये परंपरा चल रही है वो चलती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।